नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से कुछ न्यूज आ रही हूं, अपडेट कर दूं मैं आपको। पर सबसे पहले एडमिशन का, फिर इसके बाद ईडी प्रैक्टिकल का बता दूं, फिर इसके बाद मीटिंग में क्या हुआ वो बता दूंगा। चूँकि एडमिशन वाला मामला थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम हो गई है, आईटीआई की हो गई है, और जो अभी एफिलिएशन लिए हैं उनका हो गया है, तो वो सबसे पहले बता दूं कि आज की अपडेट क्या है। देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है मेरे लिए, ये है कि आज मेरी बात को बहुत ध्यान पूर्वक से सुना गया, मेरे सबूतों को देखे गए, मेरे मेल को देखे गए, मैंने जो व्हाट्सअप किया, जो बात किया, उसको विधिवत सुना गया। ये मेरे लिए खुशी की बात है। खुशी की बात और होगी कि जब डीजीटी इस पे मोहर लगा देगी, और अब कोर्ट का भी फैसला आ गया है, 26 तारीख को जो फैसला हुआ था उसमें भी लिखा हुआ है कि वर्किंग डे पे 4 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर आप डेट बढ़ा दीजिए, अब उस पे वो बैठ करके काम करेंगे। क्योंकि 27 तारीख आज ये कोर्ट का आदेश आया है, 26 को था वो, आज उनको मिला हुआ है, उस पर मीटिंग चल रही थी और लगभग शाम तक मीटिंग चली है इस पर लेकर के, और कई मुद्दे थे, थोड़ा सा कोरोना वाला मुद्दा ज़्यादा था तो उस पर ज़्यादा लगे हुए थे, और पॉइंट में ये भी था। तो मैं बता रहा हूँ कि आज मेरे को थोड़ी सी तसल्ली मिली है कि मैं जो कहना चाहता था, ठीक है वो कोर्ट का आदेश है, लेकिन जो मैं कहना चाहता था वो एक अलग तरह की चीज़ कहना चाहता था, और उसको सुने हैं। देखता हूँ, और चलिए एक वीडियो देख लेता हूँ, फिर इसके बाद बात करता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कोर्ट ने साफ साफ आदेश में लिखा 26/12 को कि डीजीटी को लिखा है कि आप जो है तो कम से कम 4 दिन के लिए या 1 दिन के लिए आप डेट बढ़ाइए वर्किंग डे। 12 नंबर पॉइंट पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, इसका मतलब ही ये होता है। लेकिन यही चीज़ भर मान करके, आप कोर्ट के आदेश को मान करके अगर नहीं बढ़ा रहे हैं तो फिर अब आपको क्या कहा जाए। हालांकि आप बढ़ाएंगे लेकिन आप आईटीआई वालों को रुला रहे हैं, ठीक है, या फिर आप मनमानी कर रहे हैं। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं कि जब हरियाणा के एक आईएएस दूसरे आईएएस को भी लिखता है, जो आज सेक्रेटरी हैं अतुल कुमार तिवारी जी, उनको भी एक कंडीशन बताते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, ठीक है, इसके बाद जो है तो आप ये देखिए, तो ये तो एसोसिएशन वालों ने किया हुआ था, लेटर किया था, और इसमें जो है तो लहरी साहब, हमको याद है कि एसडी लहरी साहब ने, और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, ये मेरे समय पे ही किया गया था कि ये लेटर जारी किया गया था कि प्राइवेट जो आईटीआई है उसको 15 दिन का बढ़ाया जाए। तो ये कोई कहीं से आदेश नहीं आया था, ये लहरी साहब का, आपके ही डिप्टी डायरेक्टर थे, तो ऐसा नहीं था कि वो छोटे मोटे आदमी थे, है ना कि नहीं। अब आप सोच लीजिए कि एक डीजी, डिप्टी डीजी, डीजी ही है, डीजी के आदमी के बात को आप काट रहे हैं, और आप इस नियम को नहीं मान रहे हैं, आप अपने नियम को मान रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। अब ये बिहार के जो है तो उज्जवल विश्वास जी को लेटर लिखते हैं, वहाँ के अधिकारी लिखते हैं, ये सब आपके ही कहीं न कहीं एक अंग है, ठीक है, तो वही लोग अगर लिख करके रिकमेंड कर रहे हैं। आप अगर इसको देखिए तो ये आपके झारखंड का है, रांची का है, और जिसको जो है तो वहाँ के जनरल सेक्रेटरी कुमारदेव रंजन जी ने ये सारी चीज़ें आपको लिखा था, भेजा हुआ था बकायदे, और वहाँ के अधिकारियों ने भी ये लिखा हुआ था। तो अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं मान रहे हैं तो लगता है कि फिर ये हट धर्मी है। और मेरे हिसाब से जब कोर्ट ने लिख दिया है कि 4 दिन, चलिए 1 दिन आप कम से कम बढ़ा दीजिए, अपना ये कर लें, बच्चे कर लें, सवाल मेरा ये है उज्जवल विश्वास से कि आपके ही अधिकारी का, अगर मैं एक चीज़ को पकड़ करके बैठ जाऊँ कि आपके ही अधिकारी का ये लेटर 28/12 को लेकर के, तो एक डीजी के ही बनाए हुए नियम की अवहेलना हो रही है, और आप जो आज बता रहे हो वो कोई नियम रूल रेगुलेशन नहीं है, वो तो सिर्फ आपकी एक हठधर्मी ही कह ले। अब आप एक ये चीज कहते हो कि हम स्टेट से कोऑर्डिनेट करते हैं, जो आपके रीजनल डायरेक्टर हैं उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, रिव्यू लेते हैं, हमारी मीटिंग बैठती है, उसमें एजेंडा होते हैं कि अपडेट
हमेशा के लिए लॉक की जाएगी, ये रूल बनेंगे, ये रेगुलेशन बनेंगे। आपने एक लेटर फरमान जारी किया कि अब हो गया, डेट नहीं पड़ेगी, बस हो गया, बात खत्म। और ये जो बनी हुई थी, लहरी साहब जो थे, तो मेरे को बहुत अच्छी तरह से याद है कि ये क्यों बढ़ाया गया था। मैं कहने वाला नहीं हूं ये क्यों बढ़ाया गया था, किस केस पे बढ़ाया गया था, इसका सारा मैटर मेरे पास है ना। और इसमें आपका अफिलेशन वाला भी था, जो अफिलेशन आपने लेट किया, वही चीज जो 18 में दोहराया गया था कि बहुत सारे आईटीआई का जो अफिलेशन है वो 11 दिसंबर को दिया गया था, ठीक आपने वैसे ही चीज इस बार भी की है। इस बार भी आपके जो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक आए हैं तो वो क्या करेंगे, और उनके लेटर में आपने साफ चीजें नहीं लिखी थी कि वो एडमिशन कब से करेंगे, सेशन कब से उनका स्टार्ट होगा। तो वो कंफ्यूजन जो है तो आज भी खड़ा हुआ है। और उसी चक्कर में बहुत सारे जो नए आईटीआई खोले थे बेचारे, जो इतने दिन से कर्ज के बोझ में लदे हुए थे और आईटीआई के किराया दे रहे थे, बिजली का बिल स्टाफ को दे रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, बढ़ जाएगी तो डेट बढ़ जाएगी तो कुछ आ जाएंगे पैसे। और सबसे बड़ी चीज है, पैसे वाली बात नहीं, ये प्रॉपर क्लास चला रहे हैं। ये कोई अभी जो है तो कोई कहीं से एडमिशन उठ करके आ जाएगा, ये नहीं है, इनकी प्रॉपर क्लासेस हो रही हैं। और ये जो बताया जा रहा है कि 90 डेज कम हो जाएगा, तो उसका कैलकुलेशन भी मेरे सामने आया, इनको पढ़ा रहे हैं बकायदे, इनके अटेंडेंस लग रही है, पढ़ाई लिखाई हो रही है। तो ज्वल विश्वास जी, आपको मैं कैसे समझाऊं, लेकिन एक चीज है कि आपको थोड़ा सा इन सारी चीजों को देखना चाहिए और समझना चाहिए। आप इतने बड़े आदमी हैं, डायरेक्टर हैं, कि अब आप एसडी लहरी साहब की बात को काट रहे हैं और इसको इस परिपेक्ष में जो कह रहे हैं, तो सर शायद मेरे से बेहतर जो अभी डीजी में है तो कोई नहीं है, अभी डीजी में कोई ऐसे पुराने अधिकारी नहीं है। संध्या मैडम है, लेकिन संध्या मैडम उस समय पर एसडीआई में थी, और अभी वो पुराने में कोई नहीं है, ना कोई नीचे बैठा हुआ अधिकारी है। और ये क्यों हुआ था, इसका पूरा मैं हर एक पॉइंट जानता हूं और पॉइंट टू पॉइंट बोल सकता हूं, लेकिन मेरी एक मर्यादा है, मैं मर्यादा से आगे नहीं बढ़ सकता हूं। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके बोल रहा हूं कि आप फिर कोर्ट की बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे, आप अपना लेटर नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे, आपके यहाँ के ही अधिकारी की है और आईएएस लिख रहे हैं हरियाणा के कि एडमिशन की जो है तो सेशन जो है तो उसको बढ़ाई जाए, और वो भी आपके एक आईएएस लिख रहा है। उज्ज्वल विश्वास जी, मैं क्या बोलूँ आपको कि आईएएस बड़ा होता है कि कौन बड़ा होता है, और एक ही जगह के नहीं लिख रहे हैं, आपके बिहार के लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिखे हैं, झारखंड के लिखे हुए हैं। तो आप अगर ये चीज़ें नहीं दिखती है सर, तो मैं क्या कहूँ, कोर्ट ने भी लिखा हुआ है। और ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी कि जो बहुत बड़ा इशू इसको बनाया जाए, दिल पे ले लिए हो आप, सीधे सीधे अगर मैं ये बोलूँ तो आपने दिल पे ले लिया है कि ये प्राइवेट आईटीआई जब होता है तब कोर्ट में चले जाता है। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि कोई कोर्ट में तो ऐसे नहीं जाता है, कोई बेवफा ऐसे नहीं होता, कुछ बात होती है तभी वो बेवफा होता है। इसके आगे मैं नहीं कहूँगा, आप खुद समझदार हैं और समझिएगा, जानिएगा, क्योंकि सवाल जो है तो आईटीआई की नहीं, सवाल हजारों उन बच्चों का है जो सपने सजाए हुए हैं एडमिशन के लिए, और उनको जब पता चलेगा कि हमारा एडमिशन कैंसिल हो गया तो फिर उनके परिवार और उन पर क्या गुजरेगी, इस पे भी सोचिएगा। बैक टू स्टूडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूँ एक बार फिर से उज्ज्वल विश्वास जी से, कि देखिएगा, सम्मान करिएगा, कोर्ट का सम्मान करिएगा, बच्चों का सम्मान करिएगा, और मेरे को जो चिंता है ना, वो लड़के पढ़ रहे हैं, और सोचिए अगर उनको पता चलेगा, अभी पता नहीं है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो क्या होगा, और वो जो बेचारे एडमिशन लिए हैं अभी एफिलेशन वाले, तो उनका क्या होगा। तो देखिएगा, अच्छा ही होगा, देखिए आज तक में क्या होता है, आज और कल तक में क्या होता है, जो भी होगा तो अच्छा ही होगा। मेरे को
लेकिन सूत्र बता रहे थे कि बहुत डाउटफुल है। जब लास्ट में मैं शूटिंग कर रहा था करीबन 10:30 बजे के रात के बाद, तो मैंने बात किया एक अधिकारी से, तो बोले बहुत डाउटफुल है वीरेश, बट देखा जाए सो कि भगवान के मर्जी जो है, तो इन बच्चों के अच्छा हो, इन बच्चों के लिए अच्छा हो, RTI के लिए अच्छा हो, आई होप, देखो क्या होता है कल। तो ये वाली बात है। चलिए दूसरी उसमें चल रहे हैं। देखिए DGT ने आज बड़ी मीटिंग की है और उसमें जो है तो ED और प्रैक्टिकल को लेकर के बात हुई। तो अभी मैं आप लोगों से बताया था कि आप एक चीज़ समझिए, आप जो जल्दीबाजी कर रहे हो ना, मैं आपको जो बोलता हूँ वही होती, आप लोगों ने देखा है। एक चीज़ याद रख लीजिए कि ये जो CVT एग्ज़ाम हुआ कितना लफड़ा हुआ है मालूम है? आज भी 27 तारीख को कर्नाटका के, उड़ीसा के बहुत सारे लड़के नहीं दे पाए हैं एग्ज़ाम, उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है। सोचिए आप, ऐसे बहुत सारी जगह पे है, पर वो मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ कि एक बड़ी संख्या है कर्नाटका में, उड़ीसा में एक बड़ी संख्या है। तो ये लफड़े आएंगे आपके साथ में, आपके साथ में इसलिए कि झारखंड में भी, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, यहाँ तक कि कर्नाटका के, यहाँ के ED प्रैक्टिकल के नंबर अभी नोडल ITI ने कर दिया, नोडल ने कर दिया, स्टेट पे लटके हुए हैं। और ये कम डाटा नहीं है, ये करीबन 20,000 से ऊपर डाटा है भाई साहब, सोचिएगा, है ना। इस पर DGT काम करना चालू करेगी 31 तारीख से, आज ये हुआ है 31 तारीख से, ये जो स्लॉट अभी 27 तारीख से 31 तारीख तक एग्जाम हो रहा है, इसको एग्जाम हो जाए। और स्टेट डायरेक्टरों को लेटर जा रहा है कि आप पूरा डेटा दीजिए, कौन कौन से एलिजिबल हैं, कौन एलिजिबल नहीं है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। वो डेटा जैसे आ जाएगा तो वो संसाधित होगा, एक बार फिर मंगाया जाएगा। अब देखो कितने डेटा भेजे जाते हैं, ये देखने वाली बात है। अब जो है तो पूरी गेंद किसके पाले में पड़ी है? स्टेट के पाले में पड़ी है। स्टेट डेटा भेजेगा तो एग्जाम होगा आपका। अगर स्टेट ने आपका डेटा किसी कारण से नहीं भेजा, नहीं गई है, तो फिर आप सोच लीजिएगा कि क्या होगा। इसलिए बता रहा हूं कि अब 31 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में ये सारा डेटा का एनालिसिस की चीजें होंगी। आपको बोला गया है कि जनवरी में, माने सेकंड वीक 12 तारीख से एग्जाम चालू हो चुकी, इस बीच में स्लॉट ही नहीं बच रहे हैं, 7 तारीख तक तो एग्जाम ही हो रहे हैं, CBT एग्जाम हो रहे हैं। अब आप भगवान, जो ये अभी बच्चे बच्चे हैं, तो ये अब बच्चे नहीं कि 7 तारीख के बाद उनको कर दें, अगर 7 तारीख के पहले पहले ले लेते हैं तो फिर आपके, मान के चलिए कि सेकंड जो वीक होता है वो सेकंड वीक में आपका चालू हो जाएगा। और ये बोला गया है हमसे, जो आज बोला गया है, आज की भी ये न्यूज है कि 5 दिन का ये होता है आपका ईडीओ प्रैक्टिकल का, तो इसके हो जाने के बाद हम 10 से 15 माने जनवरी के लास्ट में हम पूरी कोशिश करेंगे, साफ साफ मेरे से बोला गया कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी के लास्ट में रिजल्ट निकाल दें। वो आपके कमेंट को देख रहे हैं, मेरे मेल को देख रहे हैं, मेरे न्यूज को देख रहे हैं, आपकी भावनाओं को देख रहे हैं, लगे हुए हैं। अब हमको जो सबसे बड़ी चिंता खाए जा रही है ना, आप देख लेना, बहुत बड़ा बवाल होगा, इतना बड़ा बवाल ईडी और प्रैक्टिकल के लेकर के होगा, उसके अलावा बवाल होगा रिजल्ट में। रिजल्ट तो निकल आएगा, क्योंकि आप समझ रहे हो पुरानी और नई पद्धति, फिर मार्गशीट में लफड़े होंगे, है ना। ये जल्दीबाजी में जो चीजें हो रही है तो ये होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे खुशी की बात है कि विद्यानंद जी ट्रांसफर हो जाने के बाद भी अभी रुके, भगवान करे कि वो 10 जनवरी तक 12 जनवरी तक अगर रुके रहते हैं तो जो ED प्रैक्टिकल वाले लोग जो प्रॉब्लम है जिनका डेटा नहीं पहुंचा है, तो कम से कम हम मेल करवा करके उन तक भेजूं और उन तक जाए। हाँ, कल एक मेरे से छोटी सी गलती हो गई थी कि मूर्ति साहब को मैंने मैथू कह दिया था, वो हमारे मुंह से निकल आया था, एक्चुअली में मैथू हमारे दोस्त हैं एक, तो उनकी जगह में मूर्ति आ गई थी, तो वो सर ने पकड़ लिया, बोला मैं मैथू कब हो गया, तो उसके लिए सॉरी मूर्ति सर, सॉरी उसके लिए। और मैं बोल भी दिया आपको फोन पे भी, तो मैथू नहीं मूर्ति साहब, और उसके लिए विनम
आपसे क्षमा मांगता हूँ और बाकी लोगों से भी, वो चूंकि निकल आया थोड़ा सा, कल भावना में ज़्यादा बह गए थे, आप लोग समझ रहे थे, गुस्सा था थोड़ा सा, तो निकल आया वो जो चीज़ें थी। तो ईडी प्रैक्टिकल वाले बच्चों को बोल रहा हूँ कि आप जो कह रहे हो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन की चिंता मत करो, आप अपनी तैयारी करो, आपके 30 जनवरी तक सारी चीज़ें हो जाएंगी, मैं लगाऊँ, आप अपना काम करिए, मेरे को अपना काम करने दीजिए, आप अपनी आवाज़ उठाइए, लोगों को और बताइए। अभी बहुत सारे लोग ईडी और प्रैक्टिकल वाले बचेंगे, आप देख लेना, इससे ज़्यादा चिल्लापों होगा। और अगर मान के चलिए कि डेटा नहीं पहुंचा और ये लेट होता चला गया तो फरवरी में चला जाएगा, फिर आप ना कहना कि सर ये क्यों हो रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार मैंने बोला था इसी सीबीटी एग्जाम के लिए, मैंने बोला था 3 महीने पहले से, मैं चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा था, एक ना आईटीआई वाला मेरी बात को मान रहा था, ना यूट्यूबर गलत मेरे बारे में बोल रहे थे, स्टूडेंट गलत मेरे बारे में बोल रहे थे। अब क्या हुआ, जो मैं बोला हूँ एक वीडियो उठा करके मेरे को गलत साबित करिए, मैं चैलेंज देता हूँ आप लोगों को। तो वही बोल रहा हूँ कि अभी आप लगिए, सिर्फ अपने आईटीआई में जाइए, देखिए और अपना डेटा बना करके ये रखे रहें। आईटीआई वालों को बोल रहा हूँ कि जितने लड़के हैं वो डेटा बना करके रखे रहिए, और जो लड़के नहीं आ रहे हैं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए आप लोग। हमको लगता है कि 31 तारीख तक पूरी ये फीस वूस वाली पूरा सब गेम खत्म हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 या 5 तारीख तक बनाए हुए हैं, तो 5 तारीख तक डेटा पहुंचाने का काम स्टेट का है कि किनकी किनकी फीस, किनकी किनकी लिस्ट पहुंच गई है, वो देख लेना, वही वाली लिस्ट पहुंचेगी जिनकी फीस जमा है, और वो वाली लिस्ट नहीं पहुंचेगी भले फीस जमा है जो रोकी हुई है, माने माइनस बना रहे हैं लड़के, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और हमारे लिए वही चैलेंज है -1 वाला, कि भगवान एक बार -1 जो मैं लगा हुआ हूँ, बार बार इसको शो में नहीं दिखाता हूँ, मेल पे दिखाता हूँ कि -1 वाला जो डेटा है सर, वो कम से कम एक बार स्टेट से बुलवा लिया जाए, क्योंकि उसको नोडल ने अप्रूवल किया हुआ है। गलती किसकी नहीं है, ना आईटीआई गलती है ना नोडल की गलती है, जब स्टेट ने ही नहीं भेजा है तो उसमें क्या किया जाए, ठीक है, तो वो वहां से मंगा करके एक बार अपडेट करिए। तो मैं उसमें लगा हूं, और अगर आप साथ नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं आपकी आवाज वहां तक तभी पहुंचाता हूं जब आप कमेंट करते हो। और एक चीज और भाई, 50 बार बोल चुका हूं, मेरे से सवाल नहीं करो, वो मेरे ऊपर आ जाती है, आप समझो, मैं जब ये बोलता हूं ना, जब मैं ये बताता हूं सर ये देखिए बच्चे कमेंट किए हैं, ये कमेंट किए, तो साफ साफ आ जाती, बच्चे आपसे तो पूछ रहा है, आप जवाब दीजिए ना सर, मेरे से थोड़ी पूछ रहा है, डीजीटी से थोड़ी पूछ रहा है। तो आप लोगों को बोल रहा हूं, ये बार बार मेरे ऊपर चीजें आ जाती हैं, फिर वो एक चीज चली जाती, गलत चीज चली जाती, कि मैं कहता हूं तब आप लोग कमेंट करते हो। तो भैया अगर आपको कमेंट करना है तो मेरे बारे में कमेंट मत करिए भाई साहब, आप डीजीटी से सवाल पूछिए, सिर्फ सवाल पूछिए, बाकी कुछ न पूछिए आप, तभी मैं आपका हेल्प कर पाऊंगा। आप मानिए, ऐसा नहीं होता है कि चैनल में बैठ करके बकवास कर दो और आपकी आवाज को सुना जाएगा, आवाज मेरी नहीं सुनी जाती है, ये आप समझिए, आवाज आपकी सुनी जाती है, ये एक प्लेटफार्म है, इस प्लेटफार्म पे मैंने दिया है आपको बोलने की आजादी है, आप मर्यादित होकर के बोलिए, मैं आपकी चीज को वहां तक पहुंचाता हूं बस, और जो मेरे से होता है वो मेल करता हूं, बात करता हूं, एक अलग चीज है, लेकिन सवाल आपको डीजीटी पे रखना पड़ेगा। अब ऐसे ही एडमिशन के लिए भी है, ऐसे सब के लिए जो भी है आपके, आप लोग पता नहीं क्या है, बहुत सारे लोग डर रहे हैं, भगवान मालिक है, आज 6 महीने 7 महीने हो गए, पता नहीं किसके ऊपर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, नोटिस मेरे ऊपर आती है, जवाब मैं देता हूं, चैनल मेरा बंद होगा, जेल मैं जाऊंगा, आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है तो हिम्मत नहीं कर रहे हो। तो ये आज की न्यूज थी, कल फिर आएंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तो बात करेंगे। और सुनिए, जो मैंने कल मेल एड्रेस दिया था उसको आप 31 तारीख तक मेल कर सकते हैं, और आप मेल करिएगा मूर्ति साहब को, और कल जो मेल दिया था आज भी मैं कमेंट बॉक्स पे डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, और उनको जो है तो मेल करिएगा। और मैंने बोला है कि सर अभी 2-3 दिन और देख लीजिए, बहुत सारे लड़के क्या है कि हमारे वीडियो नहीं देखते, हमारे वीडियो वैसे भी मेरे ऊपर एक बड़ी हंसी मजाक चल रही है इस समय पर, कि ये बताइए सर डीजीटी सरकारी सर कितने लड़के देखते हैं, कितने आपके पास सब्सक्राइबर हैं,
तो सवाल वो नहीं होता है। मैं किसी से नहीं कहता कि सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ये करिए, जिसको जितना है उतनी मर्जी है देखेगा, लेकिन एक भी आदमी मेरे पास आएगा तो मैं कह देता हूँ कि सर एक भी आदमी आएगा तो मैं उसकी आवाज़ उठाऊँगा, क्योंकि ये मेरी मर्यादा है और ये मेरा जॉब है आवाज़ उठाना। मैं नहीं जानता कि मेरे को लाखों लोग सब्सक्राइब करेंगे या लाखों लोग मेरे पास आएंगे, वो सबकी अपनी अपनी मर्जी है, जिसको जहाँ जाना होता है, जो चैनल देखने होते हैं वो देखते हैं। पर मैं दिल से कहूँ कि कौन क्या दिखाता है ये ज़रूर सोचिएगा, कौन क्या दिखाता है और क्या कौन क्या सोचता है आपके बारे में ये ज़रूर सोचिएगा। आज का दिन सुबह और आने वाला कल भी सुबह, कोरोना आ गया है, थोड़ा सा मास्क लगाइएगा और आसपास सफाई रखिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट लगाइएगा। आज का भी दिन सुबह और आने वाला कल भी सुबह। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।